नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे साथ वाली स्कीम पे आप देख रहे हैं। अयोध्या से मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी महानगर के महामंत्री हैं। स्वागत है आपका परमानंद जी। जी प्रणाम जी, आप सबका भी स्वागत। आप देख रहे हैं फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई की अपकमिंग जो डॉक्यूमेंट्री है काली, उसको लेकर के पूरे देश में बवाल मचा हुआ है जी। लोग जम करके पोस्टर का विरोध कर रहे हैं, जहां तक के लीना मणिमेकलाई के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है और काली के इस पोस्टर को लेकर के देश और विदेश सब जगह पे आपत्ति जताई जा रही है जी। ये सब क्या है स्वामी जी? देखिए, हिंदू धर्म जो है जी, सनातन संस्कृति से जुड़े लोग जो सहिष्णु है और पूरे दुनिया को समादर दिया है, सबका सम्मान किया है, इसका परिणाम यह है कि जो कुछ लोग निपट गंवार टाइप के लोग जो जिनका केवल एक उद्देश्य है कि सनातनियों को भड़काओ और उनको हमारे संस्कृति के बारे में ज्ञान नहीं है कि हमारे यहाँ तीन देवियां हैं। नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण जो है महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है। महाकाली को रक्षा विभाग दिया गया जो वितरण हुआ, महासरस्वती जो है ज्ञान की देवी है जिनको शिक्षा का विभाग दिया गया है, महालक्ष्मी जो धन वैभव संपदा की जो है समाज में पूरा बंटवारा करती है, देख रेख करती है। तो तीनों जो महाशक्ति है, इनकी तीनों शक्तियां बांटी गई है। और देखिए, जो छोटे लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनको हम पढ़ा लिखा नहीं मानता हूँ, चाहे जितना बड़ा डायरेक्टर हो, जितना बड़ा विद्वान हो, दो लाइन लिख करके और पूरे समाज को उद्वेलित कर दे, ऐसे समाज की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। सनातन संस्कृति पशुओं में भी भगवान देखता है। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि संसार के जो भी प्राणी हैं, हम जीव मात्र की कल्पना की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग। तो ऐसे हमारे धर्म पर कोई आक्षेप करता है, कोई हमारे देवी देवताओं के चित्र को नंगा प्रदर्शित करता है, कोई कुछ शब्दों में नंदा प्रयोग करता है, तो हमको तो नहीं लग रहा है कि ऐसे मानव को जो है इस धरती पर कोई सामाजिक सरोकार है उसका। ऐसे लोग का बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे लोग जो भी आर्टिस्ट दें, जो भी पिक्चर बनावें, जो भी समाज में लिखा पढ़ी करें, इनको संज्ञान में नहीं लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये मेरा मानना है, सनातन संस्कृति का मानना है। जब महाभारत युद्ध में आपने स्वामी जी कहा कि लोग अपने अपने तरीके से विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो सांसद महुआ मोइत्रा है ममता बनर्जी की पार्टी की, उन्होंने कल ये कहा कि काली के कई रूप हैं और उनके लिए काली का मतलब है मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी। इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, वो उनकी मानसिकता है। भगवान के कृष्ण के कई रूप थे, तो क्या भगवान कृष्ण बन जाएंगे? आप चक्र सुदर्शन अपने अंगुली पर धारण कर लेंगे? प्रभु का रूप है, वो संहारक भी है, संहार जब करना है तो उस रूप में आते हैं, तो हमको उनके आदर्शों पर चलना है, न कि उस बिंदु को लेकर चलना है। काली मांस भक्षण करती है तो भी मांस भक्षण करेगी, जिंदा कर देंगे जिसका मांस रही है उसको, जिंदा कर देंगे। काली में भी ताकत है कि मुर्दे को जिंदा कर दे, आपको वरदान दे दे, आपको शक्तिशाली बना दे, लेकिन हम में तो नहीं है। तो जो शक्ति मुझे नहीं है उस पर हम क्यों प्रश्न उठावें, उस पर हम क्यों बकवास करें? और बाकी ममता बनर्जी जी के सांसद हैं तो उनकी वही मानसिकता है। ऐसी कोई बात किसी को नहीं करना चाहिए जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा खंडित हो, बाधित हो। हम सबकी कल्याण की बात करते हैं, सबकी कामना करते हैं। आप ही के नगर के
हनुमानगढ़ी मंदिर के जो महंत हैं राजू दास जी, उन्होंने गृह मंत्री से अपील की है कि फिल्म मेकर के खिलाफ एक्शन लिया जाए और फिल्म जो है उसको बैन किया जाए, और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देंगे। उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देंगे कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। इस देखिए बयान को आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, महंत जी का अपना विचार है, हम कानून का पर विश्वास करते हैं और कानून अपना काम करेगा। हम अब वो राजा महाराजाओं का जमाना नहीं है कि तलवार लेकर के जी सब निकल गए, अब जो है कानून जी अपना काम करता है। चाहे वो जी देखिए, तमाम ऐसे संत हुए जिन्होंने गलत किया, उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन लिया, कानून अपना काम कर रहा है। सरकार का काम है कानून, समाज में समता ममता बराबर कायम रहे, किसी तरह से कोई समाज में अराजकता न फैले, ये हमारा आपका पुनीत धर्म है, ये सनातन धर्म है, सनातन संस्कृत का धर्म है, राम का धर्म है। राम ने यही समाज में उदाहरण दिया, राम उन कोल भी वनवासियों को जोड़ करके, और एक बहुत बड़ी शिक्षा दिया। एक आताताई रावण पर अपने कुछ वनवासियों को लेकर के, कोल भीलों को लेकर के और चढ़ाई किया और विजय प्राप्त किया। क्या अगर राम जी की यही मानसिकता होती तो उनके नारियों को हरण लाते, उनके भवन को कब्जा कर लेते, अपना व्यक्ति बैठा देते? ऐसा नहीं उन्होंने किया, उन्होंने केवल दुराचारी का वध किया और सनातन सत्य के ध्वजा को फहराया। वहां राम राज्य लंका में भी पहला राम राज्य लाने वाले राम जी हैं। तो हमारा ये काम नहीं है, कानून अपना काम करेगा और बहुत हम अपना अच्छी काम। स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कानून की बात की। लेकिन अगर 2-4 दिन पहले की बात देखें, 1 जुलाई की बात है, ये नुपुर शर्मा जिसको बीजेपी ने इस समय अपनी पार्टी से निकाल दिया है, यूं कहिए कि बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, वो जी कोर्ट में जाती है संरक्षण लेने के लिए। लेकिन आपने कानून की बात की तो मैं थोड़ा सा कह दूं आपको कि उन्हें कानून के जो रखवाले हैं, जो जजेस हैं, उन्होंने उनको फटकार लगाई बजाय जी उनको देखिए, संरक्षण देने के। इस पे क्या कहेंगे आप? वो तो शरणागत हुई थी कोर्ट को सर्वोपरि मान करके, लेकिन उस विषय पर किसी व्यक्ति व्यक्तिगत न्यायाधीश की अपनी जो भी मानसिकता हो, वहाँ भी तमाम मानसिकता के लोग भरे हुए हैं, तो उनको जो भी करना था लिखा पढ़ी में करते। उनको वहाँ भाषण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनाया गया है, वहाँ पर बैठ करके और लिखा पढ़ी में जो भी इससे सवाल जवाब करते, लेकिन उन्होंने भाषण दिया तो वो कानून के रखवाले नहीं हो सकते हैं। और हो सकता है कि उन्होंने अपने पद और प्रतिष्ठा का मान किया, किसी भी सार्वजनिक पद पर बैठ करके और बहुत जी संयमित रह करके अपने वक्तव्य देना चाहिए। आप अखबार नवीस हैं, आप चैनल चला रही हैं, आपके एक एक शब्द हर जनता के कान में जाता है, और जब आप ही रास्ते से भटक जाएंगे तो दुनिया को उपदेश कौन देगा, कौन समाज को लेकर चलेगा? इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, रामकृष्ण परमहंस जी सर्वस्व अपना जीवन दान दे दिए, विवेकानंद जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी 32 वर्ष की अवस्था में पूरी दुनिया को सनातन धर्म को सरलीकृत करके और पूरा दुनिया को समझाने का प्रयास किया कि सनातन है क्या, सनातन धर्म क्या है। विवेकानंद जी ने विश्व में अपना झंडा फहराया सनातन का, और वहां जाकर के वो दूसरी बात करने लगते, उनका प्रतिष्ठा रह जाती। जज को भी मर्यादा में रहना चाहिए। लोकतंत्र के पहले जो सरकारें हैं, पहले राजतंत्र हुआ करती थी, लेकिन सबसे ताकतवर जो है जनतंत्र है। जनतंत्र जी आपको भेजा है कि जाइए और व्यवस्था बनाइए। अगर कोई वहां बैठ करके अपने को महाशक्तिशाली समझ रहा है तो उसकी गलत फहमी है, और ये गलत फहमी उसको दूर करनी चाहिए। अच्छा, करीब काफी सारे रिटायर्ड
ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पुलिस के और सेना के अधिकारियों ने, लगभग 117 लोग हैं जिन्होंने एक पत्र लिखा है नूपुर के सपोर्ट में कि इन लोगों ने नूपुर के साथ गलत किया है। मतलब नूपुर को न्यायिक संरक्षण देना चाहिए था जबकि उसको फटकार दी है। देखिए ये पत्र जो लोगों ने लिखा है अपनी विचार अभिव्यक्ति व्यक्त किया है जी कि हम जाएं गंगा जी में पानी मांगने कि ये माँ गंगा हमको पानी पिलाओ, प्यासते हैं तो गंगा जी हमको डुबा दें। हमने डुबाने के लिए तो मांगा नहीं था। उस जी माननीय न्यायाधीश जी से वो अपनी जो है अपनी बात रखने गई थी कि एक एक मामले में एक व्यक्ति को एक सजा होती है, एक व्यक्ति को मृत्यु दंड और आजीवन कारावास दोनों नहीं मिल सकता है, या तो मृत्यु दंड दे दीजिए या तो आजीवन कारावास। नूपुर शर्मा गई थी कि पूरे देश में तमाम जो मामले हमारे खिलाफ दर्ज है और उसी प्रकरण में कई मामले नहीं हो सकते हैं, ये ऐसा न्याय है, ऐसा संविधान की व्यवस्था है, तो एक जगह करके सुना जाए। तो भाषण देने लगे, गीता का उपदेश सुनाने लगे, गीता वो पढ़े नहीं है जी। भगवान कृष्ण ने कहा है कि व्यक्ति जब मेरे पास आता है तो सर्वधर्मान त्यज्य मामेकम शरणम गच्छ अहम त्वम सर्व पापे भ्यो मोक्षिष्यामि मा सुचा। जब किसी के शरणागत हम चले गए और न्याय मांगने के लिए गए तो देसी का किस्सा है कि भीख न दो तो तुमड़ी न फोड़ो। आपके घर में भिक्षा मांगने गया कि दो रोटी चाहिए मुझे, तो आप कह दीजिए कि हमारे यहाँ रोटी नहीं है, लेकिन आपने जो मैं अपना बर्तन ले गया था उसको फोड़ दिया आपने, तो माननीय न्यायाधीश ने बर्तन फोड़ दिया, ये कलंकित किया इन्होंने अपने पैसा को, जहाँ सर्वोच्च पद पर बैठे हैं उसको उन्होंने कलंकित किया। ऐसा नहीं करना चाहिए जी। जी अच्छा, पिछले एक हफ्ते में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जैसे मतलब सलमान चिश्ती हैं, हालांकि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्होंने ये मतलब खिदमतगार हैं दरगाह में और इन्होंने बाकायदा एक ऐलान कर दिया कि कोई उसकी गर्दन लेकर के आए और मैं जो है उसको अपना घर दे दूंगा, एक बात। उसके बाद फिर अमरावती हत्याकांड जो हुआ है उनका अब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ गया है उमेश कोहले, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि इनके ये जो गर्दन है इस पे हमला हुआ है, इसके चलते इनकी मौत हुई है। ये मतलब ये जो चीजें चल रही हैं, इधर ये हो रहा है, दूसरे कोने पे ये हो रहा है, एक तरह से मतलब मारकाट सी मची हुई है और कुछ लोग करने जा रहे हैं। आपने अपने जीवन में ऐसी स्थितियां कभी देखी कि मतलब धर्म और आस्था पे ऐसा प्रहार हुआ हो जैसा अब लोग कर रहे हैं? देखिए ये मानव संस्कृति का दुर्भाग्य है जी। हम जो है पूरे दुनिया में सहिष्णुता का उपदेश जो सनातन धर्म देता आ रहा है इसके खिलाफ दुनिया में लोग नहीं चाह रहे हैं कि कहीं भी शांति और कुशलता हो। सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई कहता है किसी का गर्दन काट लाओ, कोई कहता है अपना घर दे देंगे, इतना रुपया दे देंगे, इससे मानवता जो है खंड खंड हो जाएगी। इसलिए समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं जो समाज में जी रहे हैं ऐसे लोगों को आगे आकर के और ये सब विकृतियां रोकना चाहिए। और आप देख लीजिए इनका 57-58 देश है, ये कहीं चैन से बैठ नहीं रहे हैं। सीरिया से लेकर के और जितने अरब देश हैं, इतने संपन्नता होने के बाद भी छोटी बातों को लेकर के उग्र हो जाना, मारकाट शुरू कर देना, किसी के ऊपर हमला कर देना, इससे जीवन नहीं चलता है। जीवन चलाने के लिए हमको सहिष्णु होना पड़ेगा, हमको सनातन संस्कृतियों का पालन करना पड़ेगा। तमाम महाभारत हुए, महाभारत से क्या मिला? 5 पांडव बच गए, बच्चे भी, महिलाएं भी विधवा हो गई, समाज में किसको क्या मिला? उक्रेन में जाके देखिए,
लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो हम आपको तो एक अच्छा समाज में संदेश जाए और दोनों वर्गों को, जो मुस्लिमों में पढ़े लिखे हैं, जो कहीं अल्लाह ईश्वर के करीब है, ऐसे लोग को आगे आना चाहिए, रोकना चाहिए कि ये कबाड़ीपन कब तक चलेगा, इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। जो भी हो, संविधान के दायरे में आप अपनी उपासना करिए, हम वहां रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आपको अधिकार नहीं है कि हमारे सनातन को गाली दीजिए, हमारे देवी देवता को गाली दीजिए, उनको अश्लील होकर के परोसिए। ये आपका धर्म नहीं है, ना आपके अधिकार है। नहीं, एक एक चीज और भी है ना, मैं अगर नूपुर की बात करूं तो जब हम नूपुर की बात करते हैं तो वो न्यायिक संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट का उसने रुख किया, वहां पे उसको फटकार मिलती है, जबकि केंद्र में हिंदुत्व की बात कर रही सरकार बैठी हुई है, आदमी कहां जाएगा अपनी बात करने के लिए? नहीं, देखिए, केंद्र में सरकार बैठी हुई है, सरकार ने अपना काम किया, उनके खिलाफ मुकदमा हुआ, सरकार ने पार्टी से उनको निलंबित कर दिया, इसके बाद वो गए तो उनको संरक्षण मिलना चाहिए, और नहीं संरक्षण देते तो लिखा पढ़ी में जो अभी वक्तव्य देना था। लेकिन इस तरह के जो इनका कृत्य है, ये मानवीय नहीं है, मानवता के खिलाफ है। जो सभीत आवा शरण आई, भगवान राम ने जब मंत्रिमंडल ने कहा कि विभीषण आ रहा है, ये रावण का भाई है और इसकी माया का पता नहीं है कि क्या करने जा रहा है, हे महाराज आपका आदेश हो तो इसको बांध लाया जाए। उसके बाद भी राम ने कहा कि जो सभीत आवा शरण आई, राखो ताही प्राण की नहीं, अपनी प्राण से ज्यादा अगर कोई शरणागत हो गया तो हमारा हिंदू संस्कृति सनातन धर्म संरक्षण की बात करता है, और उस संरक्षण के लिए गई थी नूपुर शर्मा। कहाँ जाती नूपुर शर्मा? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती तो कहाँ जाती, किसके पास जाती? लेकिन माननीय जज ने जो अमानवीय व्यवहार किया, ये तो ठीक नहीं है, ये तो संस्कृति के अनुरूप नहीं है। एक चीज मैं और जानना चाहूंगी स्वामी जी, आपकी बात को सब लोग सुनते हैं, मानते हैं। अब ये जो काली को लेकर के एक विवाद छिड़ा है, एक लाइन में अगर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहें, हालांकि ट्विटर ने इनका पोस्टर जो है हटा दिया है, आपत्तिजनक जो उनका बयान था उसको हटा दिया है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इसको अभी भी महामंडित किया जा रहा है लोगों द्वारा, और बताया जा रहा है कि वो शराब का सेवन करती हैं और मांस का सेवन करती हैं, इस तरीके की जो बातें हैं उन पे आपकी एक लाइन में क्या टिप्पणी है? मेरा मानना है कि ये गलत लोग कर रहे हैं, वो शराब की सेवन करती हैं, मांस सेवन करती हैं, वो महाकाली ताप है नहीं, वो ही हमारा ईश्वर। हनुमान जी सुरसा के मुख में चले गए और निकल के फिर चले आए, तो क्या हम सुरसा के मुंह में जा करके निकल आएंगे? वो महाशक्ति का अपना का धर्म है, किस परिस्थितियों में कब कौन सा आचरण अपनाना है वो हमारी महाशक्ति जानती है। हम आप उस उदाहरण पर चलेंगे तो शायद कहीं के नहीं होंगे, इसलिए गलत आप उस पक्ष को उठा रहे हैं, अगला गलत पक्ष उठा रहा है। ऐसे लोग केवल सनातन को, समाज को खंड खंड करने में लगे हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए। ये तुच्छ लोग हैं, इनकी हम ज्यादा से ज्यादा निंदा करते हैं, ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से तमाम गर्दन उड़ी है, हम भी उड़ा देंगे। उनके पास वो शक्ति प्राप्त थी कि उंगली उठाने के बाद चक्र आ जाता था। जी जी, किसी नदी को जो है 302 नहीं लगता है, तमाम लोग डूब के मर जाते हैं, लेकिन नदी जिस दिन सूख जाएगी दुनिया अपने आप मरने लगेगी, पानी बिना मर जाएगा। तो समृद्ध कहने दोष गोसाई, ये हमारे परम शक्तिशाली
आराध्य इष्ट हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न हम कहना पसंद करेंगे, न सुनना पसंद करेंगे, न हम किसी दूसरे के देवता के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं। जबकि नुपुर शर्मा ने शास्त्र सम्मत बात कही थी, जो उनके शास्त्र में लिखा था वही बात कहा, कोई अलग नहीं कहा। अब हो हल्ला मचा रहे हो, हमारे यहाँ खोज रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी परमानंद जी, आपका शॉर्ट नोटिस पे आपने मेरे शो में आने के लिए स्वीकारा, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका, अपने दर्शकों की ओर से भी, अपने चैनल की ओर से भी। नमस्कार, फिर मिलेंगे हम किसी और मुद्दे पे। फिर धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।